दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार आय बैस रहा। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसत बैसार। चीनिया रक्षा मंत्री बेई फोंगबे 2 दिनक भ्रमण के लिए कल आबि रहल छथि नेपाल। राष्ट्रपति भंडारी आ प्रधानमंत्री ओली के संग भेंटवार्ता के कार्यक्रम। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के नवका कार्य समितिक लेल आइ निर्वाचन भ रहल। भिनसर 8 बजे से शुरू भेल चुनाव के 3 ठाम में अछि मतदान केंद्र। कोरोना वायरस विरुद्ध के रसियाली स्पुतनिक भी खोप भारत में कैल जात उत्पादन। रूस नेपाल से 2,50,00,000 डोज वैक्सीन देवा के लेल सहमति। ऑस्ट्रेलिया में भेल पहिल एक दिवसीय क्रिकेट में कैल गेल भारत पराजित। एही जीत संगे ऑस्ट्रेलिया के 3 खेल के सीरीज में 1-0 के अग्रता। पूरा समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा में भ रहल विवाद समाधान के हेतु आय सचिवालय बैसार बैसबाक कहल गेल। पूर्व निर्धारित सचिवालय के बैसार आय दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसबाक योजना है। आजुक सचिवालय बैसार में प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पार्टी के दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड द्वारा सचिवालय के बीतल कार्तिक 28 गते के बैसार में प्रस्तुत कैल गेल प्रस्ताव आ आरोप पत्र अस्वीकार कऽ अपन कथन प्रस्तुत करता। प्रधानमंत्री ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा आधारभूत रूप में प्रधानमंत्री ओली के जवाब तैयार है, जाहि से हुनका पर लगाओल गेल आरोप के विषय में स्पष्ट होयत बतौलनि। एहि से पहिने एहि अघन 3 गते के सचिवालय बैसार से अध्यक्ष ओली के मांग अनुसार लिखित जवाब देबाक हेतु हुनका 10 दिनक समय देल गेल छल। एहि बैसार के दौरान प्रधानमंत्री ओली अपना ऊपर लगाओल गेल अभियोग के उचित जवाब देता कहने छलथि। आरोप पत्र के आदान प्रदान तथा ओ के सार्वजनिकीकरण से कहीं पार्टी विभाजन में तो नहीं जात कही का प्रश्न उत्पन्न भेल समय सचिवालय के बैसार आ प्रधानमंत्री के जवाब के महत्वपूर्ण रूप में देखल गेल। चीनिया रक्षा मंत्री बेई फेंगबे 2 दिनक भ्रमण के लेल काल औता। सरकार चीनिया रक्षा मंत्री वेई रविदिन 2 दिनक भ्रमण के लेल नेपाल एबाक औपचारिक जानकारी देने। रविदिन भिनसर काठमांडू आबयवला वे राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक संगे भेंटघाट करता। तहिना नेपाली सेना के प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा संगे सेहो भेंट करबाक तय भेल पर राष्ट्र मंत्रालय जनौलक। सेना हेडक्वार्टर में वे के गार्ड ऑफ ऑनर सेहो प्रदान करत। पछिला समय 2 दिन से पड़ोसी देश भारत आ चीन से नेपाल में लगातार उच्च स्तरीय भ्रमण कैल जा रहल। 2 दिनक औपचारिक भ्रमण सम्पन्न कऽ भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शुक्रे दिन स्वदेश फिरता गेलथि। नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखा ज्येष्ठ पत्रकार के मासिक पेंशन कार्यक्रम लागू करबाक तैयारी केने। शाखा ज्येष्ठ पत्रकार पेंशन कार्यक्रम कार्यविधि तैयार करबाक काज अंतिम चरण में रहल जनौलक। ज्येष्ठ पत्रकार सदस्य के उम्र के निर्धारण आ मासिक कतेक रकम देल जाए कह तय होबाक लेल बाकी रहल। महासंघ के अध्यक्ष हरि हुमागाई जानकारी देलनि। ज्येष्ठ पत्रकार पेंशन कार्यक्रम के लेल हेटौड़ा उपमहानगर पालिकाक सहयोग स्वरूप 10,00,000 रुपया उपलब्ध करौलक। पत्रकार अपन उमेर रहला धरि काज करैत आम नागरिक के पड़ल हरेक समस्या के उजागर करैत अयलाक बादो पत्रकार के बुढ़ेस काल में दैनिक जीवन यापन आ परिवार चलाबऽ में समस्या होइत अछि। ताहि लेल ज्येष्ठ पत्रकार सभक लेल पेंशन के कार्यक्रम मानल जा रहल अध्यक्ष हुमागाई बतौलनि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आ बाकी समाचार। बीतल अखाड़ 18 गते अंत्य भेल संसद के अधिवेशन एखनो धरि संचालन नहीं भ सकल। लंबा समय बीत चुकलाक बावजूदो संसद शुरू नहीं भेल कहैत आलोचना समेत शुरू भ रहल। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पूछ 17 गते भीतर संसद शुरू करे पड़बाक बाध्यात्मक अवस्था रहलाक बावजूदो राजनीतिक दल सब चुपचाप बैसल।
सत्तारूढ़ दल नेकपा भीतर विवाद उग्र रूप ले जा रहल समय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जारी रहल संसद अधिवेशन अंत्य केने छला। अपना ऊपर अविश्वास के प्रस्ताव आनल जात कि एही डर से प्रधानमंत्री ओली जल्दबाजी में संसद अधिवेशन अंत्य केलन कि कही का एही विषय में नेकपा के सांसद सब मौन बैसल। यद्यपि संसद अंत्य भेल बहुत समय बीत चुकलाक बादो बैसार संचालन के विषय में सत्तारूढ़ दल के सांसद सब मौन छथि, मुदा नेकपा संसदीय दल के सचेतक शांता चौधरी अपन पार्टी संसदक बैसार आह्वान के लेल सरकार के दबाव दऽ रहल दावी करैत छथि। सांसदहरूले दबाव दिने, सांसदहरूले ताकिता गर्ने विषय नै होइन के, सरकारले बुझेको छ, सरकारले आफैले गर्छ। त्यसो हुँदा यो विषयमा चाहिँ नेकपाले दबाब दिने, नेकपाका सांसदहरूले दबाब दिने अथवा अरू सांसदहरूले दबाब दिएर अधिवेशन आह्वान हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अब सरकारलाई थाहा छ नि त कति महिना भयो संसद नबसेको अथवा अधिवेशनको टाइम भयो कि भएन भन्ने विषय त सरकारलाई थाहा छ नि त। संसद बैसार अतिशीघ्र शुरू कर प्रभाव पक्ष में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आ दोसर प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी से हो इच। मुदा प्रतिपक्षी दल सब से हो सरकार के संसद बैसार संचालन के हेतु दबाव नहीं देव सकल। बैसारक आह्वान करवाक हेतु सरकार गंभीर नहीं रहल प्रतिपक्षी दल के नेता सबक आरोप। जनता को संसदका विषयगत समितिहरूलाई क्रियाशील गर्नुपर्नेछ भएको हुनाले सरकारले आफैले पनि बोलाउनु पर्ने अवस्था हो र अब चाहिँ त बोला अवधि पनि भइसक्यो, समय पनि हुन लाग्या हुनाले सरकारले बोलाउनु पर्छ। अब हामी कहाँ पनि छलफल त विभिन्न कोणबाट उठेको छ, अब यसपछि हाम्रो केन्द्रीय समिति चाँडै त्यो केन्द्रीय समितिमा पनि यो बारेमा छलफल। संविधानक धारा 93 में एकटा अधिवेशन समाप्त भेल 6 महीना भीतरे दोसर अधिवेशन प्रारंभ भ जेबाक व्यवस्था अछि। संवैधानिक व्यवस्था अंतर्गत पुस 18 गते सँ पहिने संसद के अधिवेशन शुरू भ जेबाक चाही छल, मुदा पार्टीक आंतरिक विवाद कायमे रहलाक कारण प्रधानमंत्री ओली तत्काले संसद अधिवेशन के आह्वान करबाक विषय में किछ सांसद सब आशंका व्यक्त कयलनि अछि। मुदा संवैधानिक बाध्यताक कारण पुस 18 गते सँ पहिने बैसारक आह्वान करब परबाक दबाव सेहो सरकार के अछि। काठमांडू सँ कमला हमाल के रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई संसार के कोनो भी आकाश में नेपालक हवाई उड्डयन के प्रतिबंध लगेबाक औचित्य नहीं रहल दावी कयलनि अछि। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा नेपालक हवाई क्षेत्र के सुरक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक करबाक हेतु आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भट्टराई नेपाल के हवाई उड्डयन के प्रतिबंध लगाब परबाक औचित्य समाप्त भ चुकल बतौलनि अछि। यूरोपियन आकाश में लगाओल गेल प्रतिबंध हटेबाक लेल एखनो किछु कानूनी पुनर्संरचना केनाई आवश्यक रहल हुनकर कहब छनि। ओहि लेल प्राधिकरण के संरचना के विभाजन क दूटा संगठन बनेबाक प्रक्रिया सेहो आगू बढ़ चुकल जानकारी देलनि अछि। अब संसार को कुनै पनि आकाश में नेपाललाई प्रतिबंध लगाउनु पर्ने औचित्य छैन, यो हाम्रो दाबी हो। जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि हामी यो बडा स्पष्टका साथ भन्छौँ, त यसमा हामीलाई कुनै हिंताबोध हेजिटेसन छैन, किनकि हाम्रो त्यति ठुलो गल्ती छैन भन्ने कुरा यो डेटाबाट देखिन्छ। यो डेटा कुनै बनी बनाऊ टेबलमा बसेर बनाएको डेटा पनि होइन, यो फ्याक्टमा तथ्यमा आधारित डेटा हो, त्यस कारण हामी यसमा दावा नै गर्छौँ। तर पनि हामी माथिको प्रतिबन्ध छ। कोरोना के व्यापक संक्रमण भेल अवस्था में सेहो नेपालक एयरपोर्ट एको दिन बंद नै भेल बताबैत मंत्री भट्टराई उड्डयन क्षेत्र अपन क्षमता विश्व समक्ष देखा चुकल दावी समेत कयलनि अछि। नेपाल त्यस्तो मुलुक हो कि कोविड को त्यस्तो एउटा चाहिँ व्यापक क्राइसिस को बेला में पनि नेपालले एक दिन पनि एयरपोर्ट बंद गरेन, कुनै पनि समय हाम्रो एयरपोर्ट बंद भएन, सायद दुनियाका धेरै कम मुलुक में हामी पर्छौं। प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक कयल गेल सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार नेपाल में हवाई उड्डयन में दुर्घटना कम होइत गेल अछि। प्राधिकरणक महानिर्देशक राजन पोखरेल पिछला 3 वर्ष में वार्षिक 1 दुर्घटना भेल आ मानवीय क्षति समेत कम भेल बतौलनि अछि। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के निर्वाचन शुरू भ चुकल निर्वाचन समिति के प्रवक्ता एवं निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेल महासंघ के नवका कार्य समिति के लिए निर्वाचन भिनसर 8 बजे से शुरू भेल बतौलनि महासंघ के चुनाव के लिए 3 ठाम में मतदान केंद्र निश्चित कैल गेल जिला नगर दिस के लिए कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान में एसोसिएट दिस के लिए कार्की वेंकट थापाथली में आ वस्तुगत दिस के लिए महासंघ के केंद्रीय कार्यालय में मतदान कैल जा रहल अछि। तहिना कोरोना संक्रमित मतदाता सभक लेल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी में मतदान के व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। महासंघ के विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष भ पेबाक व्यवस्था रहल अनुसार हाल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोलछा अध्यक्ष बनि रहल छथि। बाकी पद सभक लेल निर्वाचन भ रहल अछि। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए वर्तमान उपाध्यक्ष द्वय चंद्र प्रसाद ढकाल आ किशोर प्रधान चुनावी मैदान में पैनल सहित उतरल छथि। तहिना वस्तुगत दिस उमेश लाल श्रेष्ठ आ अंजन श्रेष्ठ के प्रतिस्पर्धा रहल अछि। जिला नगर उपाध्यक्ष में गुणनिधि तिवारी आ दिनेश श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा में उतरल छथि। त एसोसिएट दिस के उपाध्यक्ष पद में रामचंद्र शांघाई आ सौरभ ज्योति प्रतिस्पर्धा में छथि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस विरुद्ध के रसियाली स्पुतनिक भी खूब भारत में उत्पादन कैल जात। भारतीय औषधि निर्माता कंपनी हेटेरो 10 करोड़ डोज खोप उत्पादन करवाक सहमति भेल रसिया के खोप निर्माता कंपनी जनौलक अछि। रूस के प्रत्यक्ष लगानी कोष RDIF एक विज्ञप्ति प्रकाशित कऽ भारतीय कंपनी हेटेरो प्रतिवर्ष 10 करोड़ डोज खोप उत्पादन करबाक बतौलक अछि। खोप के उत्पादन सन 2021 के शुरुए से प्रारंभ होयत। एहि सप्ताह के प्रारंभ में रसिया स्पुतनिक खोप के क्लिनिकल परीक्षण में 95% प्रभावकारी रहल दावी केने छल। अमेरिकाक दूटा कंपनी सेहो अपन खोप सब 90% से बेसी प्रभावकारी रहल बता चुकल अछि। रसिया स्पुतनिक खोप के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति डोज के $10 कायम कैल गेल जनौलक अछि। हाल स्पुतनिक खोप के तेसर तथा अंतिम चरण के परीक्षण जारी अछि। एहि खोप के लेल 40,000 व्यक्ति स्वयंसेवी के रूप में सहभागिता जनौलक अछि। तेसर चरण के परीक्षण पूर्व सोवियत गणतंत्र बेलारूस यूनाइटेड अरब इमिरेट्स आ वेनेजुएला समेत के देश में जारी अछि। भारत के अतिरिक्त RDIF स्पुतनिक खोप ब्राजील चीन आ दक्षिण कोरिया में समेत उत्पादन होयत जनौलक अछि। बीतल 2 महीना पहिने रूस नेपाल के 2.50 करोड़ डोज कोरोना विरुद्ध के स्पुतनिक भी वैक्सीन देबाक सहमति केने छल। आब खेलकूद समाचार। ऑस्ट्रेलिया पहिल एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के पराजित केने अछि। सिडनी में शुक्र दिन भेल खेल में ऑस्ट्रेलिया भारत के 66 रन से पराजित केने अछि। ऑस्ट्रेलिया द्वारा देल गेल 375 रन के बृहद लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग केने भारत 50 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 308 रन मात्र बनाव सकल। भारत के लिए हार्दिक पांडे 90 रन के अर्धशतकीय इनिंग्स खेललाक बावजूदो टीम के जीत नहीं दियाव सकलथि। ऑस्ट्रेलियाक एडम जाम्पा 4 विकेट, जोस हाजलवुड 3 विकेट आ मिचेल स्टार्क 1 विकेट लेलथि। एहि से पहिने टॉस जीत कऽ पहिने बैटिंग करनिहार ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 374 रन बनौलक छल। ऑस्ट्रेलियाक बृहद स्कोर में कप्तान आरोन फिंच आ स्टीव स्मिथ शतकीय इनिंग्स खेललथि। भारतक मोहम्मद सामी 3 विकेट लेलथि तऽ जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी आ युवेंद्र चहल 1-1 विकेट लेलथि। जीत संगे ऑस्ट्रेलिया 3 खेल के सीरीज में 1-0 के अग्रता बनौलक अछि। दू टीम बीच के दोसर एक दिवसीय क्रिकेट खेल रवि दिन होयत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक सचिवालय बैसार आई बैस रहल। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैसत बैसार।
चिनिया रक्षा मंत्री वेफेंग वे दू दिनक भ्रमण के लेल काल आबि रहल छथि नेपाल। राष्ट्रपति भंडारी आ प्रधानमंत्री ओलीक संग भेंटवार्ताक अछि कार्यक्रम। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के नवका कार्य समिति के लेल आइ निर्वाचन भ रहल। भिनसर 8 बजे से शुरू भेल चुनाव के 3 ठाम में अछि मतदान केंद्र। कोरोना वायरस विरुद्ध के रसियाली स्पुतनिक भी खोप भारत में कायल जात उत्पादन। रूस नेपाल से 2,50,00,000 डोज वैक्सीन देबाक केलक सहमति। ऑस्ट्रेलिया में भेल पहिल एक दिवसीय क्रिकेट में कायल गेल भारत पराजित। यही जीत संगे ऑस्ट्रेलिया के 3 खेल के सीरीज में 1-0 के अग्रता। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट jantasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।